अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल महक्स होम रेमेडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमूमन गर्मियों में चेहरे की रंगत मांद पड़ जाती है। गर्मी और धूप की वजह से जो जल्द मुतासर हो रही है, इसको फिर से तरोताज़ा कैसे कर सकते हैं और दोबारा से फिर किस तरह पुरकशिश और पुररौनक बनाने के साथ साथ अपनी रंगत को किस तरह गोरा कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। मैं आज की वीडियो में आपको तीन रेमेडीज़ बताऊँगी, तीनों ही बहुत बेहतरीन हैं गोरी रंगत करने के लिए। पहली रेमेडी अपनी जगह बहुत बेहतरीन है और इंतहाई इंस्टेंट यानी जल्द रिज़ल्ट देने वाली है। गर्मियों के मौसम में जल्द को किस तरह हम गोरा कर सकते हैं, पहली रेमेडी है। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून आप शुगर ले लें यानी चीनी। इसमें आपने लेमन जूस लेना है, 1 टीस्पून ऐड कर दें। इसके अलावा आपको इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून आपको इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करना है। इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मैं मिला देती हूँ। लीमू आपकी रंगत को निखारने के बहुत काम आता है, चेहरे का मैल साफ कर देगा क्योंकि इसमें विटामिन सी है जो जल्द को नरम और मुलायम करने के साथ साथ रंगत को भी निखार देगा। चीनी आपके ब्लैक हेड्स को ख़त्म करेगी और ओपन पोर्स को सही कर देगी। ओलिव ऑयल स्किन की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं और खासी मकदार में मौजूद होते हैं और ये भी रंगत को निखारने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये मिक्सचर आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए चेहरे पर लगाना होगा और ये भी आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट देगा। 1 एप्लीकेशन से ही फेयरनेस आपको महसूस होने लगेगी। इसके अलावा जो सेकेंड रेमेडी है उसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून आप योगर्ट ले लें यानी दही, और 1 टेबल स्पून ही आपको लेना है ग्राम फ्लोर यानी बेसन का आटा। इन दोनों को भी मिला लें, ये भी आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट देगा। ये मैं मिक्स कर देती हूँ इसको। इसमें मौजूद दही आपको फौरन से रिज़ल्ट देने वाला है क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स सेल्स जो जिल्द के सेल्स होते हैं उनकी नशोनुमा को बहुत हद तक सही कर देगा। इसके अलावा जिल्द को हेल्दी कर देगा। इसके अलावा इसमें बेसन यानी ग्राम फ्लोर मौजूद होता है जिसमें एक्नी से यानी दानों से लड़ने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके अलावा जिल्द के इन्फेक्शन से भी ये लड़ता है और दही के साथ मिलकर ये ना सिर्फ एक्नी दानों वगैरह को चेहरे पर आने से रोकेगा बल्कि रंगत को फौरन से गोरा भी कर देगा। ये भी आपको 20 से 25 मिनट के लिए चेहरे पर अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप टैप वाटर से धो लें चेहरा। तीसरी जो रेमेडी है उसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून आप ये ले लें टर्मेरिक पाउडर, जो हल्दी जिसको हम कहते हैं, जौ का आटा आपने लेना है इसमें 1 टेबल स्पून। इसके अलावा आपने लेना है चंबेली का तेल ले लें या फिर आलमंड ऑयल ले लें, और मिल्क यानी रॉ मिल्क दूध आपने एज रिक्वायर्ड, मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। अब मिक्स करके देखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो फिर और डालेंगे। ये आप जानते हैं कि एक तरह का उपटन बन जाएगा। उपटन हमारी रिवायत का ख़ास हिस्सा है चेहरे की रंगत को गोरी करने के लिए और चेहरे के फालतू रोएं को भी साफ करने के लिए। उपटन का इस्तेमाल सदियों से बहुत आजमूदा है। इसमें और मिक्स कर देती हूँ। अपनी जल्द की हिफाजत के लिए अब भी बाज़ ख़वातीन उपटन का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि चेहरे पर से बाल और रुआ उपटन के मुतवातर इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है, लिहाजा उपटन में आप इस्तेमाल करें और रिज़ल्ट आप फिर देखें। इसको भी, इस मिक्सचर को जो उपटन है इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए चेहरे पर अप्लाई करना है। इससे आपका रुआ भी साफ़ हो जाएगा, साथ साथ रंगत भी एकदम निखर जाएगी।
तीनों ही रेमेडीज़ अपनी जगह बहुत बेहतरीन हैं, ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।